हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 1 मई 2022। आज हम लोग 1 मई 2022 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे पे भारत है। ठीक है, अब देखिए सिप्री है तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है इसको जानना जरूरी है। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना है आगरा। कौन बना है? आगरा। आगरा कहाँ है? यूपी में है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। ठीक है, ये जो वैक्यूम है इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जो सार्वजनिक स्थान होंगे वहाँ पर इस वैक्यूम का प्रयोग किया जाएगा। और ये पता होना चाहिए देश का पहला शहर बना है आगरा। ठीक है, इसकी 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा रख रखाव और पूरी देखभाल की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? नीदरलैंड की कंपनी द्वारा रख रखाव और पूरी देखभाल 5 साल तक की जाएगी। अब देखिए यूपी आया है तो यूपी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है यह 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यह सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, ये जब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कई राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, आप बताएंगे तो यूपी है। हमने बताया आपको कि यह 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य कौन से हैं इसको जान लेते हैं। 8 राज्य हैं MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ये तो हुए 8 राज्य। 1 केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो कौन है? दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल हैं। जिलों की बात की जाए तो रामगढ़ ताल है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, मोती झील है। ये झीलें हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ के नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा है। कुल जिले कितने हैं? 75 हैं। विधानसभा कितने हैं? 403 हैं। विधान परिषद 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय फूल क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। यूपी का एक पड़ोसी देश है, कौन है? वह नेपाल है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप यूपी के विषय में जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला कौन बना है? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला बना है जामताड़ा। कौन? जामताड़ा। ये कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड में है। अब देखिए झारखंड आया है तो झारखंड के विषय में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन है। गवर्नर कौन है? रमेश बैस है। झीलें कौन सी हैं? हजारीबाग झील और राजा तालाब यहाँ की इम्पॉर्टेंट झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य यहाँ का नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो झूमर, पाइका, छाऊ, सरहुल यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो बैद्यनाथ मंदिर, जमशेदपुर, रांची यहाँ के चर्चित स्थल हैं। ठीक है, देखिए झारखंड से, देखिए झारखंड तो 2000 में अलग हुआ, बट इसके साथ साथ 3 स्टेट अलग हुए थे 2000 में, तो उन सभी को हम देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिए 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ये 26वां राज्य बना।
9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ये 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, ये 28वां राज्य बना है। ठीक है, तो ये झारखंड के विषय में इतनी जानकारी आप लोग रखे रहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ एक समय पर फहराने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, किस देश के द्वारा बनाया गया? तो 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ एक समय पर फहराने का रिकॉर्ड भारत के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। कहाँ यह फहराया गया? तो बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में यह फहराया गया था और रिकॉर्ड वहीं पर बनाया गया था। यह अच्छा, इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था? पाकिस्तान के नाम दर्ज था। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से संबंधित रिकॉर्ड जो था ये पाकिस्तान के नाम से दर्ज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने एक गोल्ड जीता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक गोल्ड मिला है भारत को, वो भी किसको? रवि कुमार दहिया को मिला है। और किस चीज़ में मिला है ये भी ध्यान रखिएगा। तो रवि कुमार दहिया को पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है। नाम याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इनको गोल्ड मेडल मिला है और सिर्फ ये इकलौते हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला। कुल कितने पदक भारत की झोली में आए हैं? तो कुल 17 पदक आए हैं भारत के नाम। एक स्वर्ण है जिसमें से 5 रजत है और 11 कांस्य पदक शामिल है। सबसे ज़्यादा यदि पदक पूछा जाए कि किस देश को मिला, तो यह जापान को मिला है। 21 मेडल मिला है, टोटल 21 मेडल जापान को मिला शीर्ष रहा, जबकि भारत किस नंबर पे है? 5वें स्थान पर है। ये क्रम भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आयोजन कहाँ किया गया इसका? तो ये मंगोलिया के उलान बटार में किया गया इसका आयोजन। संस्करण कौन सा था? 35वां संस्करण था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके का अर्थात यूनाइटेड किंगडम का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता? तो यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किशोर कुमार दास ने जीता है। किसने जीता है? किशोर कुमार दास ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 से 23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो 2022 से 23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन कृष्ण रामानुजन को चुना गया है। किसे? कृष्ण रामानुजन को चुना गया है। ये किसकी जगह पर आए हैं? पहले ये जो चेयरपर्सन कौन था, पहले रेखा एम मेनन ये थी चेयरपर्सन नैसकॉम की, और रेखा मेनन जो है ये नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी थी, क्योंकि ये नई नियुक्ति हुई है तो इनके विषय में भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे रेखा मेनन बनी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब देखिए नैसकॉम आया है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अनंत माहेश्वरी को बनाया गया है उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 27 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 27 अप्रैल। यह अप्रैल के अंतिम बुधवार को मनाया जाता है, क्योंकि अंतिम बुधवार कब पड़ा था इसका? 27 अप्रैल को पड़ा था, इसलिए 27 अप्रैल को ही विश्व स्टेशनरी दिवस मनाया गया है। अब देखिए दिवस आया है, तो अब तक अप्रैल में जितने भी दिवस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल
राष्ट्रीय समुद्री दिवस, थीम रखी गई सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, 6 अप्रैल विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, थीम रखी गई आवर प्लेनेट और हेल्थ रखी गई, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, थीम रखी गई पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, फिर है 14 अप्रैल 3 दिवस मनाए गए, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस। अंबेडकर जयंती जो है 131वीं जयंती थी, ये भी याद रहे आपको। 16 अप्रैल विश्व आवाज़ दिवस, थीम रखी गई लिफ्ट योर वॉइस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस कहते हैं, थीम रखी गई हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 21 अप्रैल 2 दिवस मनाए गए, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और दूसरा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, थीम रखी गई इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और लास्ट 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये इतनी डेट हम लोगों ने अप्रैल माह में पढ़ रखी है। ठीक है, और देखिए जब अप्रैल बीत जाएगा, अब अप्रैल बीतने ही वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपको जितने दिवस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाकर आपको दूंगा कि जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपके दिवस रहेंगे, थीम रहेगी और उससे जुड़े कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ें हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो अलग से दिवस की आपके पास वीडियो रहेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बाई का निधन हो गया। तो मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बाई का निधन हो गया है। अब देखिए मेघालय आया है, मेघालय के विषय में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो नोकरोक नेशनल पार्क है, यहाँ का इम्पोर्टेंट है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो चेरापूंजी, शिलांग, मासिनराम यहाँ के चर्चित स्थल हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा बारिश का क्षेत्र है वो मासिनराम ही है, यहाँ हमेशा लगभग पूरे दिन आपका बरसात होती रहती है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप जानते रहिए मेघालय के विषय में। तो बस आज के लिए इतना ही, ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं राजीव कुमार, सुमन केबेरी, अमिताभ कांत, अरविंद पनगाड़िया। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसके आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे किन में से कौन से सही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।